आइए जानते हैं आज की कहानी में कैसे एक गरीब ऑटो ड्राइवर की जिंदगी से दो चुड़ैलों ने खेला। सतीश जो एक सिंपल ग्रेजुएट था जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी, मजबूरन उसे घर में बैठे रहना पड़ता था। वो बेचारा अपने सारे प्रयत्न करके थक हार गया था। उसे लगने लगा था कि वो एक यूजलेस नाकामयाब आदमी है। हताशा ने उसे घेर लिया था। उसे देखकर उसके पिताजी की चिंता भी बढ़ती जाती थी। उसके पिताजी ने एक दिन सतीश से कहा कि देखो बेटा, मैं अब बीमार रहता हूँ और अब पहले की तरह काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी बात मानो तो तुम रिक्शा चलाना शुरू कर दो। पिताजी की कंडीशन देखकर सतीश ने तुरंत हामी भर दी और वो ऑटो ड्राइवर बन गया। सतीश को उसके पिता ने सजेस्ट किया कि तुम फिल्म सिटी और मढ़ दोनों इलाकों में रिक्शा चलाओ, इन इलाकों में शूटिंग दिन रात चलती रहती है, इसलिए तुम्हें अच्छा भाड़ा मिल जाया करेगा। सतीश ने अपने पापा की बात मानकर मढ़ और फिल्म सिटी में ही ज़्यादातर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों सतीश फियर फाइल बहुत देखा करता था। फियर फाइल्स उसकी पसंदीदा सीरियल थी। फियर फाइल्स की ज़्यादातर शूटिंग भी मढ़ में ही होती थी, एक बंगलों में। वो सतीश अच्छे से जानता था। उन्हीं दिनों सतीश ने एक एपिसोड भी देखा था जिसमें बताया गया था कि फिल्म सिटी इलाके में किस तरीके से एक लड़की को मॉलेस्ट किया गया था और उसे मार दिया गया था, फिर किस तरीके से उस औरत ने अपनी मौत का बदला लिया था। सतीश भूतों में मानता भी बहुत था, इसलिए वो जिन जगहों के बारे में पढ़ता या जानता जो हॉन्टेड मानी जाती, तो वो उन जगहों से दूर ही रहता था। ऐसे ही एक दिन बारिश के समय पर सतीश मढ़ एरिया में ऑटो चला रहा था। वो एक बंगलो दूर से देख रहा था जिस बंगलो में रात दिन शूटिंग हुआ करती थी। इस बंगलो में फियर फाइल्स, आहट, CID जैसी कई सीरियल्स के काफ़ी सारे एपिसोड्स की शूटिंग हुई थी। अचानक से सतीश की रिक्शा के जस्ट आगे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आकर के खड़ी हो गई। सतीश ने उसे अचानक सामने खड़ी देख करके ब्रेक मारी। ऑटो थोड़ा स्किड होते हुए उस लड़की के पास खड़ा हो गया। उस लड़की ने सतीश से कहा कि भैया विले पार्ले छोड़ दीजिए। मैडम, विले पार्ले तो काफ़ी दूर पड़ेगा, मुझे तो जल्दी घर भी पहुंचना है। इस पर उस लड़की ने कहा, क्या भैया, आप मुझे यहाँ ऐसे ही अकेले छोड़ करके चले जाएंगे? इतनी रात को मैं रोड पर अकेले कैसे रहूँगी? सतीश ने कहा, नहीं, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा, आप बैठिए। वो लड़की ऑटो में बैठ गई। सतीश ऑटो लेकर आगे बढ़ रहा था, साथ साथ एक बार उसकी नज़र उस लड़की पर गई जो पीछे बैठी थी। वो लड़की टकटकी लगाए बाहर लगातार देखे जा रही थी। सतीश उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ बाहर देखे जा रही थी। दरअसल सतीश उसकी आंखों में खो गया था। उसकी आंखों में बड़ा खिंचाव था। अभी कुछ देर हुई थी कि उस लड़की ने कहा कि भैया रिक्शा लेफ्ट मोड़ लो। इस पर सतीश बिल्कुल डर गया, क्योंकि जो रास्ता उस लड़की ने बताया, उस रास्ते के बारे में सतीश अच्छे से जानता था कि वो एक हॉन्टेड रोड है। रात के समय उस रास्ते पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत गाड़ियों के आगे आ जाती है, कभी कभी उन गाड़ियों के साथ दौड़ने लगती है, जिससे ड्राइवर का काबू नहीं रह जाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सतीश ने उस लड़की से कहा कि मैडम, ये रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ कई भूतिया घटनाएं हुई हैं, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा। इस पर उस लड़की ने कहा कि अरे भैया, मैं भी तो आपके साथ हूँ ना, जब मैं नहीं डरती तो आप क्यों डर रहे हो? ऐसा कहते हुए उसने सतीश के कंधे पर हाथ रखा। सतीश में थोड़ी हिम्मत बंध गई। उसने सोचा कि सही बात है, मैं अकेला तो हूँ नहीं, ये मैडम भी मेरे साथ में ही है, और अगर कुछ गड़बड़ जैसा लगेगा तो भगवान का नाम ले लूँगा। ये सोचकर सतीश ने रिक्शा उस रास्ते पर मोड़ ली। अभी सिर्फ आधे किलोमीटर जितना ही रिक्शा उस रास्ते पर गई होगी कि सतीश ने देखा कि एक और लड़की वहाँ खड़ी है जो हूबहू उसी लड़की के जैसी है जो पीछे बैठी है। पीछे बैठी लड़की ने कहा कि इसे भी बिठा लो भैया। तब सतीश ने
रिक्शा उसके नजदीक रोकी, लेकिन तुरंत वहां से रिक्शा भगा दी। तब पीछे बैठी लड़की ने कहा, ये क्या किया भैया आपने, उसे बैठाया क्यों नहीं, वो भी अकेली है, इतनी रात को कहाँ जाएगी, आप रिक्शा रोको या फिर उधर वापस मोड़ लो। तब सतीश ने कहा कि अरे मैडम आप पागल हो, आपने उसके पैर नहीं देखे। पैर? क्या था उसके पैरों में? अरे मैडम उसके पैर उल्टे थे, मैंने खुद गौर से देखा था, वो एक चुड़ैल है, उसके उल्टे पैर देखकर आप डर गए। मेरे तो पैर ही नहीं हैं, ये आपने नहीं देखा था। इतना सुनते ही सतीश खौफ के कारण तुरंत पसीने से तरबतर हो गया। शीशे में देखा तो पीछे तो कोई था ही नहीं, इतनी तेज रिक्शा में से वो लड़की अचानक गायब कैसे हो गई, कौन थी वो? सतीश रिक्शा का कंट्रोल खो देता है और रिक्शा एक पेड़ से जा टकराती है। सतीश के आंखें बंद हो गई, ऐसा लगा जैसे आखिरी बार, लेकिन नहीं, उसकी आंखें खुली, लेकिन हॉस्पिटल में उसके पिताजी के सामने। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही सच्ची डरावनी भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।